जय गुरुदेव। मैं गायत्री भट्ट, कथक नृत्यांगना और आलाप नृत्य शिक्षिका, कवित्त कलाइडोस्कोप श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने अनेक दिग्गज गुरुओं के साथ कवित्त इस विषय पर अभ्यास पूर्ण चर्चा की। अनेक विध कवित्त हमने सुने। कथक का ये साहित्यिक अंग कितना सौंदर्यपूर्ण और विविधतापूर्ण है ये हमने जाना। इसी विषय को आगे लेकर जाते हैं और जुड़ते हैं ऐसे ही एक विद्वान गुरु से जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान रशिया जैसे देश में सफलतापूर्वक बनाई है। गुरु अश्विनी निगम जी। गुरु जी, आपने में से पहले बात की तब आपने बहुत बहुत अच्छे अलग कवित्त छंद में से शेयर किए थे, तो आप आपसे मैं वो कुछ जानना चाहूंगी। भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी माइनस ये है गुरु लोगों का ज्ञान छुपाना। उसका एक कारण यह है कि वो जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं एक योग्य शिष्य जिसको वो अपनी धरोहर देके जाएं। अब उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वो अपने साथ ले चले जाते हैं। ज्ञान किसी को होता नहीं, वो एक कहानी बन के रह जाती। वो मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि क्यों छुपाएं। अरे ये दो, अरे उल्टा सीधा नाचेंगे, बिल्कुल खराब कर देंगे। अरे करने दो, चलने वाला बच्चा 10 बार गिरता है तभी तो चल पाता है। तो इसीलिए मैंने जो भी मुझे मिला मैं खुले हृदय से, आप देखिए मेरे YouTube में मैं देता हूं, अरे कर सकते तो करो, हिम्मत है तो करो, समझ में आ रहा है करो। मेरी जो फिलॉसफी है वो शुरू से फिर यही रही जब मैंने ये देखा कि लोग के अंदर टैलेंट है पर मटेरियल नहीं है, क्योंकि उनको कोई मटेरियल दे नहीं रहा है। तो मेरे पास जो मटेरियल था मैं इसीलिए देने लगा कि मेरे को भी शुरू शुरू में हुआ, मैं भी है कई सारे कवित्त जो है वो छुपा के रखा हूं कि नहीं दूंगा। मैंने एक जैसे कवित्त है, आपने सारे कवित्त सुने होंगे, श्रृंगार है तो वियोग श्रृंगार है, तो इसी तरह हमारे नृत्य में विभत्स रस जो है वो वीर रस सुना होगा। वीर रस के हैं शिव जी के ऊपर बनते हैं या वो काली माँ के ऊपर बनते हैं, वीर रस में बन जाते हैं, पर विभत्स रस के कवित्त नहीं है। जैसे डॉक्टर पुरु दधीच जी हैं, उन्होंने कहा कि नायिका भेद तो बहुतों ने लिखी है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नायक भेद पे भी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि तो सब नायिकाएं नायिकाएं हैं, नायक को कोई गिनता ही नहीं है, सिर्फ 48 नायक हैं, कुछ तो लिख दो उनके ऊपर। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और नायक भेद पर भी कविता लिखी और वो उनका आशीर्वाद है कि वो सबको बांट रहेंगे। उन्होंने जो म्यूजिक बनाया है वो खरीद सकते हैं, वरना लोग तो अपनी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देते। तो वही चीज मैंने 2-3 कवित्त बनाए जब मैंने देखा कि उसको शेयर करना चाहेंगे विभत्स रस के ऊपर। कवित्त जो है वो एक ऐसी यूनिक विधा है, एक ऐसी अद्भुत विधा है जिसमें आप छंद जाति, जैसे हमारे ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, हमारे यहाँ 90% जितने भी डांसर्स हैं वो जाति और यति में कंफ्यूजन करते हैं। तो जाति जो है वो 5 है, यति 6 है, वो अलग अलग है। तो इसमें लय के साथ जाति का इस्तेमाल, खंड जाति है या फिर मिश्र जाति है, तो जितने भी वीर रस के कवित्त हैं वो ज्यादातर मिश्र जाति में बनाए जाते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तग 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 तग, तांडव गति मुंडन पर नाच, ये तो तीसर जाति को बन गया। है मिश्र जाति का, जो मैंने बनाया वो मिश्र जाति का है और इसमें रस है। 9 रस में भी श्रृंगार का, आपका वियोग श्रृंगार के बहुत सारे मिलेंगे। वियोग श्रृंगार का एक बहुत ही अच्छा मेरे को अभी याद आ रहा है, जयपुर में मैंने किसी को सुना था ये,
पर कभी अब गयो री गयो अब हूं न फिरो विधि कौन घरी निकसो घरसो लहरा कभी बहुत ज्यादा है इसकी लहरे की धा जिंदा जिंदा धा चिंता गयो री गयो अब हूं न फिरो विधि कौन घरी निकसो घरसो परसों की आवन डह जुबे परसों की बीत गई बरसो अब सरसो आन सतावत है और मेह कहे परसो बरसो ये चाहत है उड़ी जाए मिलो पर उड़ नहीं जात बिना परसो पर उड़ नहीं जात बिना परसो पर उड़ नहीं जात बिना परसो तदा जिंदा दा जिंदा ये क्या बोलते हैं एक ही सौ की जो रिपीटेशन हुई है ये भी अलंकार ही है परसों की है। हाँ हाँ ये जो है आपका यमक अलंकार यम इसमें परसों के बहुत इस्तेमाल हुए। गयो री गयो अज हूं ना फिरो विधि कौन घरी निकसो घरसो परसों की आवन कह जो गयो परसों की बीत गई बरसों अब सरसों आन सतावत है और मेह कहे बरसों बरसों ये चाहत है उड़ी जाए मिलूं पर उड़ो नहीं जात बिना परसों। अब इसमें पर जो है वो पर भी है इसमें परसों जो है वो कल के बाद वाला परसों भी है और ये है विरहिन विरह कंठिता नायिका का वो है और विरह रस है विरह श्रृंगार है तो ये श्रृंगार कवित्व ज्यादातर श्रृंगार रस में ही मिल जाते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है श्रृंगार रस पर वीर रस के भी मिलते हैं। मैंने जो कवित्व बनाया उसको मैंने आज तक कभी नाचा नहीं क्योंकि जैसा कि भरतनाट्य शास्त्र में लिखा है कि विभत्स रस नृत्य में वर्जित है और सिवाय कथकली के दूसरे नृत्यों में विभत्स रस का प्रदर्शन नहीं होता है सिर्फ कथकली में होता है जो कि एक्चुअली में डांस से ज्यादा ड्रामा है तो उसमें तो जैसे वो कीचक वध है या फिर दुर्योधन नरसिंह है वो चीज दिखाए जाते हैं पर हमारे यहाँ कथक में इसका बहुत कम ही दिखाया भी जाता है तो वो जरा ऐसे करके फाड़ दिया और खत्म हो गया काम तो हाँ विभत्स को नहीं दिखाया जाता है और इसमें मैंने जो विभत्स रस किया है वो एक्चुअली में पद्माकर जी की कविताओं से प्रेरित होकर किया उनके नवरस पहले मेरा एक आइडिया हुआ कि नवरस जो है वो कवित्व में दिखाने का सारे नवरस तो उसी के उसमें मैंने विभत्स रस में इसकी रचना की थी। छंद जो है इसका मिश्र जाती है तक 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 पहले मैं आपको शब्द सुना देता हूं जिससे आपको उसका मतलब मालूम हो जाए और उसके बाद फिर मैं उसे लय में पढ़ूंगा। तो खड़ग खप्पर शोणित भर कर चलत कालिक चंडीमाई। अब इसमें कई शब्द हैं खड़ग खप्पर खड़ग भी लिया हुआ है और खप्पर लिया है शोणित ब्लड को बोलते हैं रक्त को ब्लड को शोणित भी बोला जाता है तो शोणित भर कर मतलब पूरा रक्त से भरा हुआ है चलत कालिक चंडीमाई धगे 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 तगे तगे तिट धगे न धगे दिन धगे न धा संग योगिनी चलत भैरव। इसमें सपा कटट रिपुदल क्षण में जो रिपुदल है जो एनिमीज हैं उनको एक क्षण में काट रही है कटट रिपुदल क्षण में तो कट 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 खड़ग मारत कट 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 खड़ग मारत तपत ज्वल ज्वल ज्वाल जिबहा। ये माना जाता है कि जो देवी की जीभ है वो अग्नि समान है तो तपत ज्वल ज्वल ज्वाल जिबहा पीत शोणित क्रोध वर्धित। जब वो पीती हैं शोणित तो उनका क्रोध जो है वो वर्ध हो जाता है और बढ़ता जला जाता है तो पीत शोणित क्रोध वर्धित रक्त बीजी कटमरे रक्त बीजी दो जो रक्त थे
जिनका रक्त पी करके वो उनका पी रही थी, तो रक्त बीजी कटमारी देखे 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 अंग फड़कत धिकट धिक धिके, एक थोड़ा सा रिदमिक दिया तो अंग फड़कत फुप 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 मंत्र मारत। अब वहां पर सिर्फ जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ उससे नहीं हो रही है कि तलवार चल रही है, वो मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है और मंत्र से मारा जा रहा है। तो दिखत देख देखी अंग फड़कत फुप फुप मंत्र मार फू फू पर के मंत्र मारे जा रहे हैं। तो दिमिक दिमि दिमि अंग कट कट मज्ज मज्जा अंग धारे। अब यहां पर विभत्स आ गया कि उन्होंने मज्ज बोलते हैं मांस को, मज्जा बोलते हैं अतड़ियों को, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी अतड़ियां निकाल करके अपने ऊपर डाल ली मालाओं की तरह। अब ये पूरा विभत्स है कि पी रही हैं, वो पी रही हैं, काट रही हैं, और जो कटे हुए अंग हैं वो अपने ऊपर डाल लिए हैं। तो मज्ज मज्जा अंग धारे श्याम काली चंडी रण में मुंड लेकर नृत्य करे। तो मुंड लेकर के नाच रही हैं। फिर आगे आगे मैं फिर उसमें तिहाई ली तान धिक तान धा किट तान धा तड़ 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 किनक किनक खच्च ददिगिन धा। अब इसमें ये जो है मैंने रायगढ़ के एक कवित पढ़ा था, कार्तिक राम जी की एक उन्होंने किताब लिखी है, उसमें कहीं पे उन्होंने ये कहा कि बहुत से ऐसे शब्द हैं नृत्य के जो कि इस्तेमाल ही होने बंद हो गए। तो जैसे अब जब वो तलवार मार रही हैं तो तान धाकिट नहीं है, खच तदिगिन, वो खच जो मारा है वो एक शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ समझा देता है कि क्या हो रहा है। तो धान धा हिट तान था कृदित तड़ तड़ किनक किनक खच तदिगिन धा। धान धा किट तान था किट तड़ित तड़ तड़ किनक किनक खच तदिगिन धा। तो इस तरह से जब वो एक जिसे कहें कि रो 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 खड़ा हो जाता है, एकदम रोम रोम जो है एकदम जब पढ़ते हैं ना तो आ जाती है वो एक भावना। और ये मैं अभी तक कभी नाचा नहीं, सिर्फ पढ़ता हूं और खुश हो लेता हूं कि ऐसी चीज कभी लिखी थी, क्योंकि रचयिता भी कभी कभी अपनी रचना देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भी अब मैं उनको फील कर सकता हूं ब्रह्मा जी को कि जब वो देखे अपनी सृष्टि को और मंत्र मुग्ध हो गए तो क्यों हुए, क्योंकि रचनाकार जो है जब कुछ अच्छा रच देता है तो वो खुद कहता है वाह क्या रचा। तो ये भी उन ऐसी चीजों में है जिनको देख करके मैं बड़ा खुश होता हूं कि मैं कुछ ऐसा लिख पाया। पर इसको लय को देखता हूं कि धागे न धागे तिट धागे न धागे तिट धागे न धागे तिट धागे न धागे खड़ग खपड़ सुन तभर कर चल तचालिक थोड़ा सा तेज कर लूं लहरा खड़ग खपर सुनित भर कर चलत कालिक चंडी मा धगित धग धग धगित धग धग धिनक धिन धिन धग न धा संग योगिन चलत भैरव कटट रिपु दल क्षण नमे कट 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 खड़ग मारत तपत ज्वल ज्वल ज्वाल जिप पीत शोणित क्रोध वरद रक्त बीजी कट मरे दिकट दिक दिक अंग पड़कत फुप 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 मंत्र मार दिमक दिमि दिमि अंग कट कट मज्ज मज्ज अंग धारे श्याम काली चंडी रण में मुंड लेकर नृत्य करे तान धा किट तान ता कत तड़ित तड़त किनक किन किन खच दधिगि न धा धान धा किट तान ता कट तड़ित तड़ तड़ किनक किन खच दधिगि न धा तान धा किट तान ता कट तड़ित तड़ तड़ किनक किन खच दधिगि न धा दिन दिन धा धा किट दिन ता दिन दिन धा धा। जब वो आप खच बात कर रहे हैं तब वो ज्यादा एकदम क्या बोलते प्रतीत हो रहा है कि वो सच में कैसे वो पूरा आप हमारे सामने क्रिएट हो जाता है सीन
कि वो कैसे नाच रही होगी और उसमें उसका क्या रूप होगा, जो होगा वो सच में विभत्स ही रूप है। गुरु जी आप और कुछ चीजें शेयर करना चाहिए? आपने तो बहुत सारी हमारे साथ चीजें शेयर की है, लेकिन कुछ ऐसे विचार है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि हम आज के एपिसोड को खत्म करना चाहेंगे और आपसे, आपने जी जो अमूल्य समय हमको दिया है उसके लिए आपसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि कवित्त करने से पहले उसकी पूरी कथा समझिए और मौका लगे तो थोड़ा सा लिटरेचर पढ़िए। डांसर्स के लिए भाषा ज्ञान, लिटरेचर ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब भावार्थ, शब्दार्थ, सरलार्थ समझ में आते हैं तो नाचने का अपना ही मजा आ जाता है। जहां तक सवाल है कवित्तों का, तो हमने जितने भी पढ़े कवित्त उसमें हमने रस वर्णन में केवल दो या तीन ही पढ़े, पर सभी रसों में अद्भुत रस भी है जिसके कई कवित्त हैं। तो कभी मौका लगेगा तो बैठेंगे, रस के ऊपर बात की जाएगी और उसमें फिर मैं आपको कवित्त सुनाऊंगा अलग अलग रसों के। इसी तरह तो जाति और यतियों को लेकर के भी बात करेंगे तो बिल्कुल इसका अंत मत समझिए कि हम लोगों ने यहाँ पे कवित्त का अंत कर दिया, बल्कि ये तो कहिए कि एक नई सोच और नई शुरुआत है जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसी बातें करेंगे जो कि अभी टच नहीं करते हैं। बाकी है मतलब हाँ, मैं जब हमने ये शुरू किया सीरीज तो हमें लगा कि कवित्त पे क्या हो सकता है, कितना बात करेंगे, कितनी चर्चा होगी, लेकिन जिन दिग्गज गुरुओं के साथ हम ये बातें कर रहे हैं तो और वो कुआं गहरा होता जा रहा है और पानी के झरने उसमें जुड़ रहे हैं और वो भर रहा है। सो आपने जो ये बात की कि रसों के आधार पर, जातियों के आधार पर, यतियों के आधार पर, तो ये और उत्सुकता हमें बढ़ गई है। तो मैं आज का ये चार एपिसोड तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार वापस आपके साथ जुड़ना चाहूंगी और ये चीजों को बटोरना चाहूंगी और आप हमारे साथ ये साझा करेंगे, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रुक रहे हैं लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है, एक स्वल्प विराम है, तो आगे हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।